क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर. नंबर वन, ए इज इक्वल टू ए वन ए टू बी वन बी टू. नंबर टू, बी इज इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू. नंबर थ्री, C is equal to minus 3, 1 minus 1, 4, 2, 7. And number 4, D is equal to minus 3, 4, 1, 2, माइनस 1, 7. सो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि ये चार मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं. वन में ए मैट्रिक्स है, टू में बी मैट्रिक्स है, थर्ड में सी मैट्रिक्स है और फोर्थ में डी मैट्रिक्स है. और हमसे ये पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज है एक दूसरे के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं ए से. ए का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा है. सो ए का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, ए ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने बताया है आपको, फर्स्ट रो शुड बी फर्स्ट कॉलम. सो ए वन ए टू शुड बी फर्स्ट कॉलम, ए वन ए टू बी वन बी टू. अगर इस ए ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को आप देख लें और बी मैट्रिक्स को आप देख लें तो ये दोनों सेम है. सो ए ट्रांसपोज से बी आता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी. अब आप सी का ट्रांसपोज ले लें, नंबर थर्ड जो है सी. सी का ट्रांसपोज जो है, फर्स्ट रो शुड बी फर्स्ट कॉलम, माइनस थ्री वन माइनस वन. सो माइनस थ्री वन माइनस वन हम कॉलम वाइज लिखेंगे और 4, 2, 7 हम कॉलम वाइज लिखेंगे. तो इसको आप देख ले, सी के ट्रांसपोज से डी आता है. सो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी. तो क्वेश्चन जब हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, तो इसका आंसर हम ये देंगे कि बी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए. सो बी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड डी इज द ट्रांसपोज ऑफ सी. इन शॉर्ट अल्फाज में ये है कि मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, इससे हमने साबित कर दिया. और मैट्रिक्स डी जो है वो मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज है. Okay, this is all about question number 2.